अच्छा बशीर भाई इसका बता दीजिए कौन सा कार है? जापानी रूम है। जापानी रूम है जी हाँ। ये जो है एक्शन हुआ है, 18 में एक्शन हुआ, 21 का नंबर किया हुआ है। ठीक है। कराची पोर्ट पे आया है, कराची पोर्ट की नीलाम की। मॉडल कौन सा है ये? जी मॉडल जो है 2004 मॉडल है और इनका जो कागज बनी हुई है वो 2021 में बनी, 2021 में बना हुआ है गाड़ी। तो ये जो है 2004 मॉडल है, 2004 मॉडल। अच्छा तो ये बैक साइड जापान से आया हुआ है। अच्छा कराची पोर्ट पे आया हुआ है, फिर पोर्ट की नीलाम। तो अंदर से भी आप लोग कंडीशन देख पाएंगे किस तरह कंडीशन, बड़ा खूबसूरत। आज मैं थोड़ा सा जा जाता हूँ गाइस, ये देखिए गाइस, वाह इस कार का जो है अलग ही शान है। देखना यहाँ गाइस, ये देखिए ये कार की कंडीशन देखिए एक बार। पिकनिक के लिए मतलब टूरिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। और पाकिस्तान के लिए आल पाकिस्तान मतलब नारागांव से जितने भी माउंटेन्स वगैरह जितनी भी बड़े पहाड़ है गाड़ी चढ़ जाएगी गाइस। तो ये देख सकते हैं बैक साइड दरवाजे वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह भी देखिए। अभी ये देख लीजिए सर, ये 2014 मॉडल जुलाई है। कौन सा मॉडल है ये? 2014 2014 है ये, 2014 जुलाई है, पाकिस्तान जी। तो ये कहाँ से इम्पोर्ट किया? ये पाकिस्तानी है, लोकल माल है। तो ये कराची सिम का रजिस्टर किया हुआ है गाइस, देख सकते हैं। अच्छा तो ये जो है मतलब कितना चला हुआ है ये मॉडल कौन सा है? मेरे ख्याल 75,000 टोटल चली हुई गाड़ी, 75,000 में, अपनी कलर में, अपनी कलर में, अपनी हालात में, सब कुछ ओरिजिनल हालात में। ये गाइज ये तो मेरा पूरा दिखा दिया ना वहाँ बैक साइड से, ये देखिए गाइज अंदर भी देखिए अपनी हालात में। वाह गाइज लश पश फुल न्यू कार है, टूरिंग के लिए मतलब अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बशीर भाई भी इसके हवाले से आज्ञा करेगा। ये सीट्स देखिए आप एक बार। Assalamualaikum dear viewers, welcome back into my YouTube channel Muhammad YT guys. In today's video I come back to one of Sami motor showroom guys. मैं इस मोटर समी मोटर शोरूम की तरफ आया हूँ जो कि क्वेटा में एयरपोर्ट रोड पर वाक़िया है या आलमो चौक पे। यहाँ पर आपको हर किस्म की जो कार वगैरह है यहाँ पर मिल सकती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये जो व्यू है मोटर शोरूम का ये दिखाता हूँ, तो चलते हैं। उसके बाद फिर ऑनर ऑफ शॉप से मिलते हैं, वो हमें अवेयर करेगा यहाँ पर कारों के हवाले से। तो गाइज़ यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्यू है शोरूम का, तो फिर चलते हैं हम लोग उसके साथ मिलते हैं ऑनर ऑफ शॉप से। यहाँ पर आप लोगों के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और उसकी प्राइसेस क्या है, और स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए गाइस आप जो देख रहे हैं ना आप लोगों के लिए क्या प्राइसेस लगाए। तो गाइस इससे बिफोर मैं आपको कहता हूँ यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ खुदा की कसम से, पूरी ज़िंदगी मैं स्टडी भी नहीं कर पाता। तो आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और नंबर वगैरह जितने भी अगर आपको जो भी गाड़ी पसंद आओ ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से आप जाके इनके साथ रब्ता करें, बात करें और यहाँ पर आप बाय करें। तो चलते हैं अभी ऑनर ऑफ शॉप से, तो मिलते हैं गाइज़। तो बैक आ गए हम लोग, अभी चलते हैं ओनर ऑफ शॉप से मिलते हैं, वो हमें इस मोटर के हवाले से आगाह करेगा। सबसे पहले उससे मिलते हैं कि नाम क्या है और इस मोटर हवाले शोरूम के हवाले से हमें आगाह करें। तो सबसे पहले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या है खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। आप खैरियत से? ये बताओ। तो ये बता दें सर आपका नाम पहले बता दें, नाम क्या आपका? बशीर अहमद है। सब आपका नाम बशीर अहमद है। तो ये मोटर शोरूम के हवाले से बता दें ये कहाँ पर वाक़िया है और इसमें आप कौन कौन से कार वगैरह मतलब सेल करते हैं? यहाँ पे जापानी भी होते हैं और पाकिस्तानी ज़्यादातर होते हैं। पाकिस्तानी इसलिए होते हैं कि मिसाल पाकिस्तानी गाड़ियों की जो है वो डिमांड बड़ी अच्छी है, पाकिस्तानी कारों की यहाँ पर जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर है आप लोगों के पास मतलब ज़्यादातर आप लोग कौन सी कार वगैरह को सेल करते हैं यहाँ पर? पाकिस्तानी भी करते हैं और जापानी भी करते हैं। पाकिस्तानी और जापानी भी। मोस्टली आप लोगों के पास कौन सी कार यहाँ पर होते हैं मतलब? करंडियाँ खड़ी होते, विट्स है, जिलाई है, एक्स है। एक्स जो होते वो जापानी में आते, वो जो पाकिस्तान पोर्ट पे आते हैं तो वो पोर्ट की क्लियर होते हैं, जो मिसाल कागज़ से कराची का भी है और लाहौर। अच्छा दूसरा सवाल ये आप लोग ये जो है ये कागजी होते या लीगल होते या इलीगल? नहीं लीगल, सारे लीगल होते हैं गाइस। तो यहाँ पर जितने लीगल तरीके से लीगल गाड़ियाँ। अच्छा आप लोगों के पास ये कस्टम पेड है मतलब सारे? बिल्कुल सारे कस्टम पेड होते, कस्टम क्लियरिंग होते और कराची पोर्ट की गाड़ियाँ होती है। अच्छा कराची पोर्ट की मतलब पोर्ट से जो इम्पोर्ट के होते हैं गाइस। तो जैसे आप लोगों ने देखा मेरीन जब भी कराची में स्टॉप करते हैं तो वहाँ पर ये लोग वहाँ पर जो पोर्ट में मेरीन स्टॉप करती है तो यहाँ से वो लोग क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं। तो इलीगल गाड़ियाँ। तो प्राइसेस का क्या आप लोगों ने हिसाब लगाया होता है यहाँ पर? प्राइसेस तो गाड़ियों के मुख्तलिफ रेट ही होते हैं। गारंटी का होते हैं मिसाल 45 लाख जी और एक साइज से होते हैं कि मिसाल 25 लाख से लेकर 40 लाख तक भी होते हैं। जिलाई भी होते हैं, इसमें पिकअप भी होते हैं, इसमें छोटी ऐसी गाड़ियाँ भी होते हैं ना, मुख्तलिफ रेट ही होते हैं। अच्छा तो अच्छा क्या आप हमें शो करवा सकते हैं, गाड़ियों की तरफ ले जा सकते हैं गाइस? तो अभी मैं थोड़ा सा कार के हवाले से जी ये कौन सी कार है? गाड़ी है ये गारंटी है जी 14 मॉडल है, पाकिस्तानी है। जी जी, गारंटी है? जी हाँ, ये गारंटी है। 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल है। देखना इनकी कंडीशन जी, मिसाल प्योर अपने कलर में होते हैं, अपने कलर में होते हैं। और ये जो 43 लाख बता रहे हैं जी, इंशाल्लाह मिसाल वैसे रेटे बनेगा जी। वैसे चलाई भी मेरे साथ कड़ी है, अल्टस भी कड़ी है जी जी, और उंडा भी कड़ी हुई। अच्छा, तो ये बता दे इसका मतलब कौन सा मॉडल है आपने कहा? ये 14 मॉडल, 14 मॉडल है। ये जापान से कहाँ का इम्पोर्ट हुआ? पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी लोकल माल है, पाकिस्तानी। कहाँ का बना है? सिंध का। ये कराची नंबर है। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक प्लेट भी दे सकते हैं, सिंध है ये, देखिए कराची प्लेट नंबर है। और फिर ये जो होते अल्टस, इसमें होते अल्टस भी पाकिस्तानी होते हैं जी। अल्टस भी मैं आपको निशान देता हूँ, ये सामने वाली कड़ी है, ये अल्टस है, अल्टस है ये। तो ये जो है गाइस, ये कौन सी वाली है सब? ये जो 2013 मॉडल है जी जी, 2013 मॉडल। ये भी कराची सिंध का नंबर है, कराची सिंध का नंबर है। अच्छा, कराची सिंध का नंबर है। इनका डिमांड जो होते हैं 19 लाख होता है, इसका जो डिमांड होता है ये 19 लाख होता है। ये लीगल है मतलब कस्टम पेड है? नहीं नहीं, लीगल है, पाकिस्तान। अच्छा, मतलब कस्टम पेड है ना ये? जी हाँ, ठीक है। नो इसके कागजात वगैरह भी है साथ में। गाइस तो मैं थोड़ा सा आपको ये कार का जो वे वो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। लगता भी काफ़ी न्यू है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है गाइस। वाह गाइस, ये है कार का एक पूरा व्यू। तो अब चलते हैं यहाँ पर बानेट भी आपको दिखा देते हैं, बानेट के वाले से। ठीक है, तो ये है अंदर का गाइस। ये जो बानेट जैसे खोला ओपन किया, काफ़ी जो चीज़ें वो न्यू है। तो अच्छा आज साहब बता दें इसके वाले से, बता दें थोड़ा सा। ये अल्टस होते 1.6 होते, इसमें आते एक 1.8 आती है, एक 1.6। ये जो है 1.6 है, इनका मिसाल बेहतरीन चला हुआ है जी जी, और बेहतरीन गाड़ी है, खराबी इसमें नहीं आता है, खर्चा कम आता है, पेट्रोल से भी खर्चा कम आता है। अच्छा, इसका पेट्रोल खर्चा मर्चा सब कुछ कम आता है? बहुत कम है। वाह गाइस, और सेल भी ज़्यादा इनकी होती है, कुछ बात कर लो, सेल भी ज़्यादा है इनकी। तो ठीक है, तो ये इसका सेल भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, ये टूरिंग के लिए मतलब नारा कागा तक चतराल के लिए इसके टूरिंग के लिए पाकिस्तान? अच्छा, पूरा पाकिस्तान गाइस। तो जैसे बताया मुश्किल भाई ने, ठीक है, इसमें कोई होते नहीं, शॉर्टेज नहीं होते हैं ना जी जी। और माशाल्लाह जो फिट फाट गाड़ी। अच्छा, क्या अभी इसमें आप लोगों ने प्राइस जो लगाया वो क्या था लगभग? ये 19.5 लाख, 19.5 लाख है। क्या इसमें कुछ कंसेशन नहीं हो सकता जो लोग? हो सकते, जब गिरा का गाड़ी कड़ी होती है ना। मॉडल कौन सा है आपने कहा? 13 मॉडल है। और वो जो 14 मॉडल था गाइस, ये जो था 14 मॉडल। मैं थोड़ा अभी भी करीब ले जाता हूँ अंदर, थोड़ा सा ये दिखा दे। अच्छा, ये जो था 13 मॉडल है। जापानी गाड़ी भी दिखा रहा है। अच्छा, जापानी भी आप दिखा दो उसका, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें आता है एक विड्स आता है। ठीक है गाइस, अभी चलते हैं यहाँ पर, जापानी विड्स भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी प्योर, पाकिस्तानी प्योर में ये कौन सी है? ये वेक्सा नई, कुछ नई अल्टो है जो नई कंडीशन में है। ठीक है, ये 21 मॉडल है। ये 21 मॉडल है जी हाँ, कराची का जी जी। तो आप इस दिखा दीजिए, प्योर पाकिस्तानी जी। और इतने कम खर्चे 70 मोटरसाइकिल जैसा है, 70 मोटरसाइकिल जैसा है। पेट्रोल कम खाता है, पेट्रोल बहुत। अच्छा, कम खर्च। रास्ते में अगर लॉन्ग ड्राइव करें तो क्या खराब तो नहीं होगा मतलब? नहीं 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 नहीं, ये भी यार पाकिस्तान आप घूम सकते हैं। क्या आप अंदर से दिखा दे थोड़ा सा? भाई माशाल्लाह भी बहुत अच्छी। सिंध का, ये भी कराची का बना हुआ है, नंबर प्लेट इसका सिंध का है गाइस। देखिए यहाँ पर मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह अच्छी गाड़ी है। ठीक है गाइज, ये अंदर का पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, देखिए न्यू है, सीट्स वगैरह भी न्यू है, अंदर भी देख सकते हैं ये देखिए। तो इनकी कीमत जो है 22.5 लाख, इनकी कीमत है 22.5 लाख है, 22.5 लाख। फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हुआ। ठीक है, इसका मॉडल कौन सा था? 21 मॉडल गाइस, ये तो काफ़ी न्यू मॉडल आया हुआ है। ये तो अभी जो है, अभी जो क्रिएट हुआ है या जनरेट हुआ है, ये तो 21 मॉडल है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी है, 22 लाख का वो मिल रहा है। तो ऐसा और गाड़ी दिखा दी साहब। और ये पिकअप है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पिकअप है ये, 2004 मॉडल है जो आप बिल्कुल अनटच नई गाड़ी है। ओके गाइस, तो ये भी जो है सारे जो है कस्टम पेड कार है, कंडीशन नहीं है जी जी। ये नया कंडीशन है नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई चलन नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ये जीरो में खड़ा है, जीरो में खड़ा है। इनके इंजन आप देख सकते हो सर जी जी जी, खूबसूरती देख सकते हो गाइस। ये देखिए काफ़ी न्यू है, देखिए सारा अंदर जो सारे इक्विपमेंट्स सामान वगैरह बिल्कुल न्यू है। तो ये पूरे न्यू फ्रेश कंडीशन में जीरो है। ये भी क्वेटा, मैं मीटर भी दिखा देता हूँ, मीटर में भी देखते हैं अगर जीरो लिखा होगा तो इट मीन्स दैट दिस कार नेवर हैव बीन ड्राइव बिफोर लाइक दैट। सो गाइज वी आर गोइंग इनसाइड ऑफ दिस कार। अच्छा गाइज ये देखिए अंदर मैं दिखा देता हूँ। हाँ गाइज देखिए ये बिल्कुल जीरो चला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं गाइज, ये जो अंदर का सिस्टम है पूरा, जो सीट वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पर। वाह, पीछे बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए गाइस पूरा एक कंडीशन है कार का, काफी अच्छी कार है। 2004 मॉडल, ये 2004 मॉडल है सर, कौन सा मॉडल है? 2004 मॉडल है। क्वेटा की है, बलूचिस्तान की है, मतलब रजिस्टर कौन सी? क्वेटा के नंबर, क्वेटा के नाम पर रजिस्टर हुआ ये। अच्छा प्राइस क्या लगा इसका? प्राइस इनकी 40 लाख, 40 लाख लगा, 40 लाख। देखिए गाइस ऊपर नीचे होएंगे इंशाल्लाह। वाओ गाइस ये देखिए काफी न्यू कार है, जैसे बताया कि एक तो चला नहीं हुआ और फुल फ्रेश कंडीशन में न्यू कंडीशन। और ये भी है, ये भी पिकअप, ये वाइट कलर है, ये भी पाकिस्तानी है। अच्छा ये वाइट कलर पाकिस्तानी, ये भी अपनी लोकल माल है गाइस। ये भी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये भी सिम का रजिस्टर किया हुआ है। तो बानट भी दिखाएंगे भी। अच्छा साहब आप आए, और बशीर भाई जी सर। अच्छा तो बशीर भाई आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करवाएं। ये देखना अपनी कंडीशन में, अपनी हालात में जी जी। ये भी पाकिस्तानी 98 मॉडल है जी, 98 मॉडल। ये 28 लाख है, ये चला हुआ गाड़ी थोड़ी सी, लेकिन प्योर अपनी कलर में। अच्छा ये भी रिकंडीशन, मतलब दोबारा, मतलब अपने कंडीशन में कि इसको नहीं, अपनी कंडीशन। अच्छा अपनी कंडीशन में चला कितना चला? मेरे ख्याल अंदर दिखा दे आप थोड़ा सा, लोगों को खुद दिखा दे ताकि जो व्यूअर्स है वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाए। कैसे ना हो यहाँ पे देख लो जी, आप देख ले अपनी हालात में सर जी। मैं गाइस थोड़ा सा ये अंदर दिखा देता हूँ। हाँ गाइस ये देख सकते हैं, मैं अंदर भी दिखा देता हूँ गाइस। ये सीट्स वगैरह भी देखिए काफ़ी प्लास्टिक पैक सीट्स वगैरह। तो बैक साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए नहीं है बिल्कुल। वाह वाह गाइस तो देखा ये काफ़ी न्यू है माशाल्लाह, ज़बरदस्त कार है। यहाँ पर देखिए मुझे तो काफ़ी मज़ा देख के मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलाने में क्या बिल्कुल A1 है इंशाल्लाह। अच्छा क्या अब इस कंसेशन क्या होना है अभी? इंशाल्लाह ताला 28 बता रहे हो सकते, 27.5 लाख लास्ट है। अच्छा कीमत है यहाँ, ठीक है क्या? इससे कम नहीं हो सकती, इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी अच्छी मतलब मिसाल लाल पाकिस्तान आपको। अच्छा ठीक है। वाह गाइस देखा ये इसका प्राइस भी आप लोगों ने जाना, साथ कोई और गाड़ियाँ भी है ना, ठीक है आप बता दें। हाँ गाइस अभी सर्फ वगैरह वगैरह भी, तो गाइस ठीक है ये विड्स है, ये भी बड़ा खूबसूरत गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है ये? विट्स है सर, ये विट्स है, विट्स है जापानी। तो जापानी मॉडल कौन सा है? जापानी मॉडल 3 है। सिन का रजिस्टर क्या हुआ है? 2003 है, 8 का रजिस्टर है सर, 2008 का रजिस्टर हुआ है। कौन सा सिन रजिस्टर है ये? जी हाँ कराची का नंबर है। अच्छा खूबसूरत गाड़ी है। देखिए गाइस ये जो है कराची का रजिस्टर किया हुआ है, पूरा सामान जो है अंदर। अच्छा ये इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं है सर? अपनी हालात में ओरिजिनल कंडीशन में ये सारा। वाह गाइस गाइस अंदर भी आप दिखा सकते हैं। अच्छा ये चलाओ कितना हुआ है बशीर भाई? सर ये मेरे ख्याल 1,10,000, ये 1,10,000। गाइस ये जो अंदर की कंडीशन है देख सकते हैं, सीट्स वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह जो है ये देखिए। वाह गाइस ये देखिए शोरूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बैक साइड भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि ये बैक साइड है गाइस। ये है कार, विड्स है। ये मॉडल कौन सा था एक बार फिर बता? मॉडल सर 2003 मॉडल है, 8 का रजिस्टर है जी, कराची पोर्ट की है, कराची पोर्ट की है, कराची पोर्ट पे आई। ये बाहर कहाँ से आए हुए? कहाँ से इम्पोर्ट? ये जापान से आए हुए, जापान से इम्पोर्ट, जापान से आते हैं फिर कराची पोर्ट पे आते हैं, फिर पोर्ट से टैक्स इनके जमा होते, फिर कराची का नंबर लेकर के यहाँ पाकिस्तान। ठीक है तो इसका प्राइस आपने क्या था? ये प्राइस जो इनकी 17.5 लाख, 17.5 लाख। ठीक है गाइस ये भी आप लोगों ने काफी प्राइस इंशाल्लाह ताला अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा अच्छा ही होगा। अच्छा होगा गाइस, तो कंसेशन हो रहा है, बस बशीर भाई कह रहा है कि आपके साथ यहाँ पर काफी कंसेशन होगा। तो गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, आपको दूसरे कार्स भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली कौन सी है? ये रूम है। अच्छा ये रूम है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो की वगैरह जो है वो अभी ला रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे इस कार के हवाले से भी। ये जो है शोरूम का एक पूरा वेव है, देखिए गाइस वाह ज़बरदस्त, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। बैक साइड में भी सारे शोरूम वगैरह हैं। ये क्वेटा में सबसे बड़ा शोरूम है गाइस, ये क्वेटा में सबसे बड़ा शोरूम है। तो आप लोगों को पता चले अभी अच्छा बशीर भाई इसका बता दीजिए कौन सी कार है? जापानी रूम है, जापानी रूम है जी हाँ। ये जो है एक्शन हुआ है, अठारह में एक्शन हुआ, 21 का नंबर किया हुआ है, ठीक है हाँ। कराची पोर्ट पे आया है, कराची पोर्ट की नीलाम की। मॉडल कौन सा है जी? मॉडल जो है 2004 मॉडल है और इनका जो कागज बनी हुई है वो 2021 में बनी, 2021 में बना हुआ है गाड़ी। तो ये जो है 2004 मॉडल है, 2004 मॉडल अच्छा। तो ये बैक साइड जापान से आया हुआ है अच्छा, कराची पोर्ट पे आया हुआ है, फिर पोर्ट की नीलाम की है लीगल अच्छा, लीगल तरीके से गाइस। ये सारे कस्टम पेड है, इसमें कोई भी आप ऐसी कार नहीं देख पाओगे। ये सारे जितने भी ना ये लीगल तरीके से कस्टम पेड कार है, अंदर से माशाल्लाह टैक्सेस पेड कार है ये सारे गाइस। तो अंदर से भी आप लोग कंडीशन देख पाएंगे किस तरह कंडीशन, बड़ा खूबसूरत आज मैं तो गाइस। ये देखिए गाइस वाह, इस कार का जो है अलग ही शान है। देखना यहाँ गाइस, ये देखिए ये कार की कंडीशन देखिए एक बार। पिकनिक के लिए मतलब टूरिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। और पाकिस्तान आल पाकिस्तान मतलब नारागांव से जितने भी माउंटेन्स वगैरह जितनी भी बड़े ठीक है गाड़ी चढ़ जाएगी गाइस। तो ये देख सकते हैं बैक साइड दरवाजे वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह भी देख सकते हैं। ये म्यूजिक टेप वगैरह भी है ना इसमें, सब कुछ है ना, टेप वगैरह सब कुछ इसके फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है अच्छा। तो मतलब ये मॉडल कौन सा था बशीर भाई? ये 2004 मॉडल है, 21 का ऑक्शन है, 22 का नंबर है अच्छा, ये कराची का रजिस्टर। प्राइस इसका क्या लगा आपने? और इनके प्राइस 24 लाख है, 24 लाख अच्छा। कंसेशन भी होगा इंशाल्लाह। तो बैक साइड में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बैक साइड पे भी आप देख लें, बैक साइड पे देखना इनके रास्ता यहाँ देख। वाओ गाइस ये है कार, फैमिली की गाड़ी है सर, पूरे फैमिली की कार है। आप लगा सकते हैं अपना फैमिली को ले जा सकते हो अच्छे सुकून के साथ, अच्छा फैमिली सबको सुकून के साथ मतलब ले जा सकते हैं। तो गाइस ये भी आप लोगों ने माशाल्लाह वाह। उस कार का क्या ये जो सर्फ वगैरह इसके बता दी थोड़ा सा? सर्फ जो है फिर वो 2004 मॉडल है जी, और वो जो है फिर मेरे ख्याल 65 लाख रुपए का है। आप थोड़ा सा दिखा दो सर्फ का भी दिखा दे थोड़ा सा। ओके इसका गाइस उसका नहीं है बस थोड़ा सा। ये बैक साइड में जो एक ब्लैक कार है उसका दिखा देते हैं, देन उसके बाद इनफ कर देते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं मैरान कार, हर किस्म के कार यहाँ पर मिल सकते हैं। देखें गाइस ये पूरा व्यू है, पूरा आप तसली के साथ देखें। जो भी आपको पसंद आए ना मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। आप लोग मुझे खामखा में कमेंट्स नहीं करें, आप तंग नहीं करें, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उनके साथ बात करें, कॉन्टेक्ट करें। आप जानते हैं और ओनर जानते हैं शॉप का। तो अदरवाइज गाइस अभी चलते ये वाली कार देखेंगे। अभी ये देख लीजिए सर, ये 2014 मॉडल जुलाई है। कौन सा मॉडल है ये? 2014 है ये, 2014 जुलाई है, पाकिस्तान जी। तो ये कहाँ से इम्पोर्ट किया? ये पाकिस्तानी है, लोकल माल है। तो ये कराची सिम का रजिस्टर किया हुआ है गाइस, देख सकते हैं अच्छा। तो ये जो है मतलब कितना चला हुआ है ये मॉडल कौन सा है? मेरे ख्याल 75,000 टोटल चली हुई गाड़ी, 75,000 में अपनी कलर में, अपनी कलर में, अपनी हालात में, सब कुछ ओरिजिनल हालात में। ये गाइस ये तो मेरा पूरा दिखा दिया ना वहाँ बैक साइड, ये देखिए गाइस अंदर भी देखिए अपनी हालात में। वाओ गाइस लश पश फुल न्यू कार है, टूरिंग के लिए मतलब अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बशीर भाई भी इसके हवाले से आज्ञा करेगा। ये सीट्स देखें आप एक बार, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। तो ये बैक साइड में डोर है इसका। तो बशीर भाई अभी बता दें इसका क्या सिस्टम है? ये 2014 मॉडल है जी, अपनी हालात में, और मेरे ख्याल 85,000 चला हुआ है, 85,000 चला हुआ है। और इनका जो कीमत असल कीमत है 27 लाख, 27 लाख है जी हाँ। तो ये मतलब कंसेशन होगा इसमें भी इंशाल्लाह ताला जरूर, ठीक है गाइस। तो ये था, ये उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है शुक्रिया। तो गाइस ये था आज का मज़ा मेरे साथ अच्छा। तो एक और भी दिखा रहे हैं, चलो गाइस वो भी दिखा लेते हैं। गाइस ये वाली कार भी आपको दिखाएंगे अच्छा। उसके बाद ये वाली कार देखेंगे, दिन उसके बाद इनफ करेंगे गाइस। गाइस ये बानट दिखाएंगे उसको अच्छा, देखिए इसको खोलने के बाद अच्छा। बशीर भाई इसके हवाले से आगा करिए कौन सी कार है? 6 मॉडल GX है, ये कराची पोर्ट पे आई हुई है, जापानी अच्छा, जापानी है, जापानी अपनी हालात में ठीक है हाँ। और तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी, कलर मलर नहीं है, आप अंदर से सारा ओरिजिनल है, ये सारा कलर सारा ओरिजिनल है, इसमें कोई फेक तो नहीं है, अच्छा प्योर है सारा, प्योर कलर है सर। मॉडल कौन सा ये गाइस, अभी अंदर से भी देखते हैं मॉडल के बारे से, प्राइस कितने और जानेंगे गाइस। तो ये जो है अंदर का एक सिस्टम है जी XG गाइस, ये देखिए अंदर का, वाह गाइस ये जो है अंदर का, वाह गाइस इस कार का अलग ही यार स्टैंडर्ड है यार। तो देखिए अंदर से, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी न्यू है गाइस। ये बैक साइड में भी देख सकते हैं आप सेट वगैरह। तो ये जो है अभी बशीर भाई इसका बता दिए क्या इसका हिसाब लगाया हुआ है। सर ये 2006 मॉडल है जी, और 20 का ऑक्शन है, 19 का ऑक्शन है, 20 का नंबर लिया हुआ है कराची का जी जी। ये भी क्वेटा ऑक्शन होते हैं, किस्टम क्लियर होते हैं जी जी, और 20 का नंबर है और 37 लाख रुपए कीमत है, 37 लाख की कीमत, 37 अपनी कंडीशन ठीक है। तो ये अपनी न्यू है, मॉडल कौन सा था 14 मॉडल 2006 का मॉडल है सर जी जी, और 19 का ऑक्शन है क्वेटा का और 20 का नंबर कराची का। ओके फाइन। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आ गया होगा। तो आज का वीडियो जो व्लॉग था वो सिर्फ इस शोरूम के हवाले से, इस कार हवाले से थे। यहाँ पर आपने हर किस्म की जो कार्स थी, मतलब पाकिस्तान से या कराची से जितना भी इंपोर्ट किया जाता है, तो आपने देखा, उसका रिव्यू देखा। तो ये था जो सेमी मोटर शोरूम के हवाले से आपने पूरा ब्रीफ मैंने करवाया, पूरा रिव्यू करवाया, अपडेट्स करवाया प्राइसेस के हवाले से। ये जो थे न्यू प्राइसेस थे 2024 का। तो बशीर भाई आप अपना कंटेक्ट वगैरह भी दे दें हमें, और व्यूवर्स के लिए आपने स्पेशल वो करना है, कंसेशन करना है उनके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, जो भी इंशाल्लाह ताला खुशी से वो ठीक है, शुक्रिया गाइस। तो अल्लाह हाफिज़।